क्या हाल है वालों, हम क्या देख पा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि हर जगह पर बिल्कुल छाया हुआ है कि Xiaomi का मतलब Redmi सीरीज का Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन ये फीचर के साथ में आ रहा है, उस फीचर के साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम Amazon पर, Flipkart पर, कहीं पर भी सर्च करें तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है ये स्मार्टफोन। एक्चुअली में दिखाई देगा भी नहीं क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुआ। ये लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर, सभी ने चाइना से इम्पोर्ट कर करके वीडियो बनाई है Xiaomi 13 Pro Plus की। बट ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीरीज के अंदर नहीं आया, इस सीरीज के अंदर आपको दो और स्मार्टफोन्स मिलेंगे जिनका नाम है Xiaomi 13 एंड Xiaomi 13 Pro एंड थर्ड वन इज Xiaomi 13 Pro Plus, जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते हो। नहीं भी जानते होगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम इस पूरी सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके प्राइस एंड वेरिएंट्स के बारे में, तो चाइना के अंदर ये कुछ इस प्राइस पर लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर आपको Redmi Note 13 में आपको बेस वेरिएंट मिलता है 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। जो मैक्सिमम वेरिएंट जाता है वो जाता है 12GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं पर 13 प्रो के कुछ ये प्राइस हैं, जिसके अंदर आपको बेस वेरिएंट मिलता है 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका पीक वेरिएंट जाता है 12GB रैम एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज। जो हमारा 13 प्रो प्लस है उसके अंदर आपको वेरिएंट जो स्टार्टिंग ही होगी वो होगी 12GB रैम से स्टार्टिंग है, 256GB इंटरनल स्टोरेज, एंड पीक वेरिएंट जाता है 16GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज। ये प्राइस सारे युआन में थे जो कि चाइना की करेंसी है, इसके अंदर आप अपने हिसाब से गूगल का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं कि इंडियन करेंसी में किस प्राइस पॉइंट पे पड़ेगा। वैसे लीक से बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो प्रो प्लस वाला है वो 25,000 के अंडर में आएगा। 13 प्रो प्लस के अंदर काफी सारे फ्लेक्सिप नाम के फीचर्स हैं जो कि इस बार Xiaomi ने इंक्लूड किया, जैसे कि आप अगर गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग करते करते आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो, वॉइस चेंज करना, रिकॉर्ड करना एंड गेमिंग का अलग से मोड मिल जाना जो कि गेमर्स की नजर में काफी अच्छा है। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो Xiaomi Redmi 13 के अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा 680 MediaTek Dimensity का। इसके अंदर आपको दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 100MP का मेन कैमरा एंड 2MP का मैक्रो कैमरा, जिसकी जरूरत नहीं भी होती। एंड आई पर्सनली थिंक ये जो Realme के भी हाल ही में स्मार्टफोन आए 11 सीरीज वाले में, इसमें प्रो वेरिएंट वगैरह, तो वही कैमरा सेटअप आई थिंक आपको इस वाले फोन में मिलेगा क्योंकि ये लोग ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ये लोग इसी में का ऐसा करके घुमा घुमा करके फोन निकाल देते हैं। और ये भी कंफर्म नहीं है कि इंडिया के अंदर आपको Redmi सीरीज के नाम से ही ये वाले स्मार्टफोन देखने को मिले, हो सकता है पोको के अंदर आ जाए और जो पोको के नाम का बाहर लॉन्च करेंगे वो Xiaomi की Redmi सीरीज के अंदर डाल दें, तो ये इनका घोल झोल चलता रहता है। फिलहाल जो स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीनों में ही आपको फ्रंट में 16MP की सेल्फी देखने को मिलेगी तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर। जो हमारा Redmi 13 है उसके साथ में आपको मिलेगा 33W का चार्जर, 13 Pro के अंदर मिलेगा आपको 67W का चार्जर एंड जो Pro Plus है उसके साथ में आपको 120W की चार्जिंग मिलेगी जो कि जेन चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जेन चार्जिंग इज द न्यू टेक्नोलॉजी जो कि अभी हाल ही में स्मार्टफोन्स कंपनीज अप्लाई कर रही हैं। छोटा सा चार्जर होगा पर होगा 120W का और इसके अंदर हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं आते ना फोन के अंदर न चार्जर के अंदर। अभी 13 Pro के चिपसेट के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 जो कि शायद इसी स्मार्टफोन में पहली बार लग करके आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कोई दूसरा हो तो बताओ जरा कमेंट में। वहीं पर 13 Pro Plus के अंदर आपको मिलेगा MediaTek Dimensity का 7200 Ultra नाम का चिपसेट। अब 7200 नाम का जो चिपसेट है वो तो काफी सारे स्मार्टफोन में लग करके आ चुका है, हमने देखा भी है, बट अल्ट्रा वाला आई थिंक स्पेशली इसी स्मार्टफोन के लिए डिजाइन है। इस पूरी सीरीज के तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है वो Redmi 13 Pro Plus ही है, बाकी 13 वाला एंड 13 Pro वाला है ऐसे यूजुअल स्मार्टफोन्स हैं जो कि आए हुए। हाँ, काफी सारे फीचर्स आपको नए वाले देखने को मिलेंगे, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नए फीचर डालेंगे तो पुराने वाले स्मार्टफोन्स को ही मिलेंगे, नए वाले को भी मिलेंगे, तो वो तो आपको ऊपर वाले दोनों में भी मिलेंगे, पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो Pro Plus में है, जिसके अंदर आपको कैमरा सेटअप के नाम पर मिलेगा आईसुस सेल का 200MP कैमरा, जिसके साथ में OIS का सपोर्ट भी है एंड 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS तक। एंड दूसरा कैमरा है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड थर्ड कैमरा है 2MP मैक्रो एंड इस स्मार्टफोन से आप 10x तक की ऑप्टिकल जूम कर पाओगे। डिस्प्ले वगैरह के नाम पर आपको कार्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट, IP रेटिंग के नाम पर IP68 की रेटिंग है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट है, 4K की वीडियो आप देख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, मोर देन 68 बिलियन कलर्स के साथ में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के नाम पर स्टूडियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन, तो ये स्मार्टफोन कोई हल्का फुल्का थोड़ी रह गया। और अगर सच में 25,000 की रेंज में प्रो प्लस वाला वेरिएंट आता है तो काफी अच्छी डील रहेगी। और अगर लुक वाइज प्रीमियमनेस के बारे में बात करें तो बैक में आपको लेदर देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं इस बार Xiaomi ने, मतलब कि यूनिकनेस है। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस स्मार्टफोन को लेकर के जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।